नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वेदिज्ञान चैनल। भगवद्गीता प्रथमोध्याय अर्जुन विषाद योग। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द 16th, 17th एंड 18th श्लोकास ऑफ भगवद्गीता। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणी पुष्पकौ। नौ 17th श्लोक। काश्या च परमोश्वासः शिखंडी च महारथः दुष्टब्दुम्नो विराटश्च सत्यकीश्च पराजितः। नौ 18th श्लोक। द्रुपदौ द्रौपदश्च सर्वशाः पृथ्वीपते सुभद्रश्च महाबाहुः शंकान दद्रुमुह प्रतीक प्रतीक। So in this shlokas, Sanjaya addressing Dhritarashtra has the ruler of earth, that is Prithvipate. Here he is saying, it is said that the conch named Ananta Vijaya blew by the king and the son Kunti, that is Yudhishthir, while Nakul and Sahadeva blew Sughosha and Manipushpaka respectively. The excellent archer and the king of Kashi and the great warrior Shikhandi, Drushtabdumna, Virata, Satyaki, Draupad and five sons of Draupadi and the son of Subhadra, that is Abhimanyu, all blew their conch shells respectively. इस श्लोक का अर्थ है, यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र को पृथ्वी के शासक पृथ्वीपति से यहाँ पर संबोधित किया है। इस श्लोक में संजय ने कहते हैं कि कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को बजाया और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख को बजाया है। उसी तरह उत्कृष्ट धनुधारी और काशी के राजा महान योद्धा शिखंडी द्रुपद और द्रौपदी के पांच पुत्र सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु सभी ने अपने शंख को भजाया है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट। हरे कृष्णा।